देखिए, मैं हूँ दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में। खादू, जिस तरीके से लगातार जो है पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर जो हैं सावधानियों को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जिस तरीके से सावधानियाँ भी बढ़ती जा रही है, मैं आपको दिखा दूँ, ड्रोन की मदद से जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कोई बाहर तो नहीं है हमारे, आप देख बाहर तो नहीं है हमारे, आप देख सकते हैं कोई यहाँ के SHO साहब जी से अरुण कुमार जी हैं, किस तरीके की सावधानी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यहाँ सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घरों से बाहर ना निकलें। इस इलाके के कंटेनमेंट का ऑर्डर है, मतलब कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा, कोई आदमी अंदर नहीं, जो जरूरी सामान है वो लोगों को मिल रहा है। जब तक बिल्कुल जरूरी काम कोई ना अनअवॉइडेबल ना हो, तब तक किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा। लगातार सर, जिस तरीके से GTV इनके लिए दिलशाद गार्डन को जो है सील भी किया गया है, तो जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ पर जो जरूरत की जो सामग्री है वो कैसे पहुँचाई जा रही है? जरूरत की सामग्री अंदर मिल रही है, अगर नहीं मिले तो RWO की मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सामान मिले। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम जनता से सर? सबसे अपील है कि ये देश के लिए बड़ा ही टेस्टिंग टाइम है, सब कोई कोशिश करें कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश आता है उसका पालन करें, ताकि इस बीमारी के रोग को रोका जा सके। और जिस तरीके से अभी भी देखा गया है लगातार जो है लोग बाहर बहानेबाजी से निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को कहा है कि मास्क जरूरी है लगाने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके इस तरह के लोगों के खिलाफ हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ दिलशाद गार्डन के GTV इनक्लेव के जो हैं SHO थे अरुण कुमार जी, जिन्होंने ये बताया कि लगातार जो है लोगों को सावधान किया जा रहा है, लगातार लोगों को जो है उन पर निगाहें रखी जा रही हैं, जिस तरीके से ड्रोन की मदद से भी यहाँ पर जो है लोगों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, कोई बाहर ना निकले, क्योंकि उनका मेन जो हम लोगों का यही है, सरकार से भी यही अपील बार बार की जा रही है कि सावधान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घरों में ही रहें, बिना वजह के बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है हम सब की है, कोरोना वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, हम सभी की है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। और लगातार इन्होंने यही भी आह्वान किया है, अगर इस चीज़ का उल्लंघन किया जाएगा, बेवजह कोई भी है घर से बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह जो है सावधानियां बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस जगह पर जिन इलाकों को सील किया गया है वहां पर खास तौर पर जो है फोर्सेस लगाई गई हैं, ताकि लोग बाग जो हैं बाहर ना निकले। तो मैं आपको दिखा दूँ, BSF के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर दिलशाद गार्डन में जो है तैनात किए गए हैं। ये GTV इनक्लेव है, आपको मैं दिखा दूँ जिस तरीके से। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? एक महीने से ऊपर हो गया। एक महीने से ऊपर, तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे लेडीज कांस्टेबल भी हैं, सिविल डिफेंस वाले भी हैं यहाँ पर, और तमाम जो है मैं आपको दिखा दूँ जो वाले जो हैं जो नगर निगम वाली जो गाड़ियाँ हैं कचरे को लेकर के, क्योंकि गंदगी जिस तरीके से ना फैले, कहीं ना कहीं इस गंदगी को भी जो है साफ करने के लिए जिस तरीके से कहा भी गया है, हर जगह जो है कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं इस बड़ी समस्या में आकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है किसी को ये नहीं देख रहा है कि वो कौन है, किसी की भी चपेट में आ सकता है, इसलिए सावधानी को बरतते हुए ये लोग भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कब से ये सुबह कब कितने बजे आ जाते हैं आप लोग इसमें? सुबह ही हम 7 बजे के आसपास आ जाते हैं। 7 बजे के आसपास। तो आप लोगों को जो सावधानियाँ जो हैं, आप लोगों को मास्क वगैरह क्या दिए जाते हैं? नहीं, हमें कोई नहीं दिया। मगर नगर निगम से आपको कुछ नहीं मिल रहा है? भैया, एक मास्क मिला था और उसका भी 1 साल भूख होगा। देखिए, इनकी भी जो है सफाई कर्मचारियों की जो यहाँ से जो है कूड़ा ले जाते हैं, उनका भी यही कहना है कि इन्हें खाली मास्क दिया जा रहा है, कोई सैनिटाइज़र नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, खाली मास्क। क्या ये मास्क से ही कोरोना वायरस रोका जा सकता है? जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए MCD की गाड़ियाँ हैं, ये कचरा उठाने वाली, इसमें जो बैठे हुए हैं जो गाड़ी चला रहे हैं खाली, उनको खाली उन्होंने कहा है कि उनको मास्क ही दिया गया है, सैनिटाइज़र खाली बोला जाता है, पता नहीं दिए, इनका यही कहना है कि इन्हें दिया नहीं गया है। देखिए, दिलशाद गार्डन GTV इनक्लेव का एरिया है, मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से सब्ज़ी वाले जो हैं यहाँ पे, सब्ज़ी देखिए ज़रूरत की चीज़ है, यहाँ पे बेचेंगे भी लोग, क्योंकि आखिर खाना जो है वो तो खाना ही पड़ेगा, और सब्ज़ी जो है ये बोला भी गया है कि सब्ज़ी वाले यहाँ पे होंगे, लेकिन इनके पास जो है पास मुहैया कराया गया है कि नहीं, इनसे पूछ लेते हैं। आपके पास पास दिया गया है सब्जी बेचने का? हाँ, पास दिया है। कितने महीने का है वो? वो 15 तारीख तक। 15 तारीख तक। जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो मार्शल खड़े करे गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, वो भी लगातार जो है सोशल डिस्टेंस को जो है
लगातार वो जो है कर रहे हैं यहाँ पर, कि लोग जो है एक एक मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। देखिए ये लगातार लोगों को सावधान कर रहे हैं, कोरोना वायरस जिस तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए विश्व के साथ मिल करके इस कोरोना वायरस को हटा सकते हैं, अगर हम जो सरकार द्वारा दिए गए सावधानियों को बरतेंगे तो सच में हम लोग इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। तो आप लोग खुश खबर को देखते रहिए, खुश खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ दिलशाद गार्डन है, ये जीटीवी इनक्लेव है, और लगातार जो है यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं बिना चेक किए हुए किसी को जाने भी नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से आप बैरिगेट भी देखने लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर इनका पास भी देखे जा रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं जो देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, अब देख करके इन्होंने पास दिखाया भी है, शायद ये शायद इनकी ड्यूटी है, कहीं है ये कहीं ना कहीं, तो इनको पास देख करके फिर इनको जाने दिया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से बैरिगेट लगे हुए हैं, लगातार यहाँ पे सैनिक भी जो हैं लगातार यहाँ पे खड़े किए गए हैं, चाहे वो BSF पे हो गए, चाहे वो CRPF के हो गए, सभी यहाँ पर, सभी से देखिए यहाँ पर जो है चेकिंग किया जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे लगातार जो है पुलिस की तरफ से भी सावधानियाँ जो हैं पूरी बरती जा रही हैं, सबको जो है सावधान किया जा रहा है, लगातार देखा भी जा रहा है कि सबों ने मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, और लगातार जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कहा है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, जो भी बाहर निकल रहा है उसे मास्क ज़रूरी है लगाना, नहीं तो जो नहीं लगाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। TV इनक्लेव के सामने ही मैं आपको दिखा दूँ ई पॉकेट है, GTV इनक्लेव के सामने ई पॉकेट LIG का मैं आपको दिखा दूँ, जिस तरीके से इसे भी जो है यहाँ पर पूरा सील्ड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लोग जो हैं यहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं, इसलिए इसको पूरा जो है देखिए आप GTV इनक्लेव ऑल गेट्स कम्प्लीटली सील्ड यहाँ पे लिखा भी गया है, और यहाँ पे तैनात किए गए हैं पूरे पुलिसकर्मी हैं, और BSF के जवान हैं, CRPF के भी जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं।